और अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जो है जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी हमारे सेशन है, आने वाले जितने भी हमारे सेशन है, उन सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारे सेशन देख पाए। और इसके लिए आप बेल आइकन भी जरूर जो है दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए, चिंतन क्या है, बेसिक से चर्चा करते हैं। क्या है चिंतन आपके नजर में, चिंतन क्या है, आप आपके अकॉर्डिंग चिंतन क्या है, आप बताएं क्या है चिंतन, आप क्या सोचते हैं चिंतन के बारे में कि चिंतन क्या होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का यह जवाब होगा कि सर चिंतन तो किसी भी विषय के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में विचार करना है, सोचना है ना, यही उत्तर होगा आपका। भाई बेसिकली चिंतन को हम यही समझते हैं कि चिंतन क्या है, किसी विशेष बिंदु के बारे में, किसी विशेष विषय के बारे में सोचना, विचार करना, ये क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है ना, और यही होता है चिंतन। लेकिन थोड़ा सा इसको और विस्तार से आज हम जो पढ़ने वाले हैं चिंतन को, कि चिंतन क्या होता है, थोड़ा सा इसकी गहराई में जाकर हम जो अध्ययन करेंगे कि चिंतन क्या होता है, थोड़ी सी इसकी विस्तृत व्याख्या हम जो है समझने का प्रयास करेंगे कि चिंतन क्या होता है। तो आ जाइए सारे बच्चे और अपने दोस्तों के साथ भी एक बार इस सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, ताकि चिंतन के बारे में हम और गहराई से समझ सके। अच्छा, रीट के बाद ये एक हमारे मित्र है बाबूलाल शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि रीट का पेपर होने के बाद इनको चिंतन की जो परिभाषा है वो अच्छी तरह समझ में आ गई है। क्या हमारे जीवन में चिंतन करना आवश्यक है शेखावत जी, क्या हमें चिंतन करना आवश्यक है, क्या चिंतन करना जरूरी है, क्या बिना चिंतन के काम नहीं चल सकता, क्या क्या बिना चिंतन के काम नहीं चल सकता, बिना चिंतन के काम नहीं चल सकता क्या? एक सेकंड में शुरू करते हैं बस, और आज बहुत मजा आएगा आपको सेशन में। और कल कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि सर नींद आने लगती है हमें, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नींद आने लगती है, तो आज नींद नहीं आएगी और नींद आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2022 है, इसमें अगर हमें सफलता नहीं मिली तो अगले शायद फिर 5-6 साल तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर 2022 के अंदर हम सफल नहीं हो पाए तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। सुरतगढ़ से स्वागत आपका रंजीत जी, मानु कुमावत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलते हैं और शुरुआत करते हैं, क्या है चिंतन इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, चिंतन की परिभाषा और स्वरूप को समझिएगा। जनरली हम यह कहते हैं कि चिंतन जो है हम रोजमर्रा के जीवन में हर विषय को या हर कोई काम करने से पहले हम जो भी काम करते हैं तो उसके बारे में पहले चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। जैसे अभी रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की सबकी भर्ती आई हुई है, लेकिन आप बहुत सारा चिंतन करने के बाद यह तय कर पाए कि हमें किसका अध्ययन करना है, बाजार से सब्जी लाने, कौन सी साबुन से नहाना है, सर पे कौन सा तेल लगाना है, हर विषय में चिंतन है, कौन सी शर्ट पहनकर बाहर जाना है, सैंडल कौन सी पहननी है, जूते कौन से पहनने हैं, हर चीज में चिंतन है। तो आइए इस चिंतन को समझने का प्रयास करते हैं। चिंतन मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन जो है वो क्या है, मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है, और मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया, तो कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना जो किसी समस्या तथा उसका समाधान यानी अनुक्रिया के मध्य या बीच की क्रिया है। यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है, बट बहुत से मनोवैज्ञानिक है जो इसे क्या मानते हैं, एक मध्यस्थ क्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं,
मध्यस्थ क्रिया मानते हैं। चिंतन क्या है? एक मध्यस्थ क्रिया है। कैसे भैया? जैसे कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में समस्याएं आती है, समस्याएं आएगी और फिर हम उसका समाधान भी तो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर समस्या आती है तो क्या उसका समाधान नहीं करते हैं हम? समाधान भी करते हैं, उसका हल भी तो करते ही है ना, उस समस्या का समाधान भी तो करते ही हैं हम। ये दोनों प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया हमारे जीवन में चलती रहती है। समस्या आती है, समस्या का समाधान करते हैं, फिर नई समस्या आती है, फिर उसका समाधान करते हैं। इस समस्या और समाधान के बीच में जो क्रिया होती है वो क्या होता है? वो होता है चिंतन। क्या होता है यहां पर? यहां पर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। क्या करते हैं विद्वान साथियों? चिंतन करते हैं। तो इसीलिए चिंतन को क्या कहा गया है? चिंतन को मध्यस्थ क्रिया कहा गया है। सुरेश जी राम राम। चिंतन को क्या कहा गया है? मध्यस्थ क्रिया कहा गया है। कि चिंतन समस्या और समाधान के बीच की क्रिया है। चिंतन समस्या और समाधान के बीच की क्रिया है। समस्या और समाधान के बीच में हमें चिंतन करना पड़ता है। आइए कुछ परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। बेरोन नामक एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जो है वो एक परिभाषा दी 1992 में, और ये क्या कहते हैं बेरोन? बेरोन कहते हैं कि चिंतन में संप्रत्यो प्रति ज्ञाप्ति और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। आपके बुद्धि में जो संप्रत्यय, जो कॉन्सेप्ट पहले से बने हुए हैं, वो आपकी ज्ञान और आपकी प्रतिमाओं अर्थात आप जो अनुभव कर रहे हो उन सब का जोड़ तोड़ ही क्या है? संप्रत्यय है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, लगभग 99-95% बच्चे ऐसे हैं, 95% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीट 2021 दी, और रीट 2021 में कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किए लेकिन पेपर रद्द हो गया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहीं ना कहीं चूक गए, यानी कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हो गई, कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हो गई। लेकिन अब जब उनको पता चला कि 2022 में और 46,000 पदों पर भर्ती आ रही है, तो उन्होंने एक बार फिर से चिंतन करना शुरू किया। उन्होंने फिर से एक बार चिंतन करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया कि जो गलतियां मुझसे 2021 में हुई है वो 2022 में मैं नहीं दोहराने वाला हूं। 2021 में गलतियां हो गई वो हम 2022 में ना दोहराए। तो आए और उन्होंने अपना चिंतन किया और उस चिंतन के आधार पर उन्होंने तय किया कि एक बार फिर से मेहनत करूंगा, सब कुछ छोड़कर एक बार महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊंगा और रीट में अध्यापक बन के ही बाहर जो है वो निकलूंगा। करते हैं कि नहीं करते आप ऐसा चिंतन? ऐसा चिंतन करते हैं कि नहीं करते आप? हम सब ऐसा चिंतन करते हैं। देखिए एक और परिभाषा देखिएगा, सिल्वर मैन के अनुसार। सिल्वर मैन ने 1978 में एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। क्या कहते हैं सिल्वर मैन? आपको हो सकता है कि बैकग्राउंड में एक नॉइज सुनाई दे, हो सकता है कि लगभग अगले 6-7 दिन ऐसी दिक्कत आएगी कि आपको जो है थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे, क्योंकि माइक खराब हो गया और नया माइक जब तक आ नहीं जाता तब तक ऐसी समस्या रहेगी। लेकिन बहुत जल्दी इन सारी समस्याओं को हम जो है समाधान कर लेंगे। एक बार सारे बच्चे इसे शेयर करें। सिल्वर मैन क्या कहते हैं 1978 में कि चिंतन एक ऐसे मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया होती है, इसमें हम कोई हाथ पैर नहीं मारते। अगर कोई बच्चा, देखो पुरानी मूवी देखी होगी आपने, जैसे एक व्यक्ति है और उसकी कोई जो है वो फैक्ट्री है और उसमें लॉस हो गया। अब वो चिंतन करेगा कि कैसे उस लॉस से छुटकारा पाए। तो देखो वो कैसे करता है, पुरानी मूवी में ऐसे दिखाया गया कि वो ऐसे घूमता है, फिर ऐसे करता है, फिर बीच बीच में ऐसे करता है। अगर ऐसे करते हुए किसी व्यक्ति को आप देखोगे तो क्या कहोगे कि यार के सोच में पड़ रहे हैं? यानी चिंतन क्या है? चिंतन में कोई शारीरिक
क्राइटेरिया नहीं होती है। हाँ कुछ लोग ऐसे घूम लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे थोड़ी के हाथ लगा के सोचते हैं, कुछ शौचालय में जाके सोचते हैं, चिंतन करते हैं वहां पर। शौचालय का नाम भी शौचालय इसीलिए तो है क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतरीन आइडियाज, सबसे ज्यादा चिंतन भी शौचालय में करते हैं लोग। ये बात सत्य है, चाहे आपको बुरी लगे, चाहे आपको कड़वी लगे, हंसी की बात भी लग सकती है आपको, बट ऐसा होता है क्योंकि हमारे बहुत सारे दिमाग, हमारे बहुत सारे आइडियाज वहां पे आते हैं। तो चिंतन क्या है? एक मानसिक क्रिया है जहां हम अपने दिमाग को अपनी समस्या पर केंद्रित कर और उस समस्या के हल के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। और यही बात कही है सिल्वरमैन ने कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। एक और परिभाषा देखिएगा सेंड्रोक ने 1995 में दी। और सेंड्रोक क्या कहते हैं 1995 की परिभाषा के अनुसार, ये कहते हैं कि चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, विशेषकर जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, एक हमारी बहन है, ठीक है, वो मार्केट गई, उसके घर वालों ने उसको 1000 रुपए दिए और कहा कि आप एक जो है वो साड़ी लाओ, साड़ी ला सकती हो आप, ठीक है, एक साड़ी ला सकती हो। ये दुकान में जाती है और दुकान में इसको जो है वो 3 साड़ियां पसंद आ जाती है या 2 साड़ियां पसंद आती है और तीनों ही 1000 रुपए की है, यानी उसको पसंद तीनों है और ये नहीं तय कर पा रही है कि ये कौन सी सिलेक्ट करे। ये क्या है इसके लिए, ये क्या है इसके लिए, ये एक चिंतन का विषय बन गया, समस्या बन गई ना, समस्या बन गई है कि कौन सा साड़ी ले, यही तो समस्या हो गई। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको चिंतन करना पड़ेगा, अब इसको चिंतन करना पड़ेगा। ये चिंतन के माध्यम से ही तय कर पाएगी कि इसे क्या करना है। तो यहां पर ये चिंतन करेगी कि इसका लाल रंग है, इसका नीला है, है ना, इसका हरा है, लाल साड़ी मेरे पास पहले से 5 पड़ी हुई है, नीली साड़ी मेरे पास 1 ही है, बट हरी साड़ी मेरे पास 1 भी नहीं है। तो चिंतन करके ये हरी सिलेक्ट कर सकती है, यहां पर इसी क्रिया को चिंतन कहते हैं। और चिंतन क्यों किया जाता है, आपका पेट भरा हुआ है, ठंडा पानी का बोतल आपके पास रखा हुआ है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहां पर अच्छा पंखा चल रहा है जिससे मक्खियां उड़ गई है, बाहर चली गई है, जितनी भी गाइड आपको चाहिए पढ़ने के लिए या बुक चाहिए वो सारी की सारी आपके सामने रखी हुई है, आप चिंतन क्यों करोगे, नहीं करोगे, करोगे क्या चिंतन? तो चिंतन कब करोगे, जब पेट खाली होता है, भूख लगी हो, जब प्यास लगी हो, आपको सफलता पानी है बट उसके लिए जो संसाधन की आवश्यकता है वो आपके पास नहीं है, तो आप चिंतन करोगे। अर्थात चिंतन हम जब करते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है। चिंतन कब शुरू होता है, चिंतन शुरू होता है समस्या से। जब आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आप क्या करोगे, चिंतन की शुरुआत करोगे, उस समस्या का परिभाषाओं का सार क्या है, इन परिभाषाओं का हम जो चिंतन किया वो किसके लिए किया, हमने जो चिंतन किया वो किसी समस्या के हल करने के लिए तो किया। तो इन परिभाषाओं को हमने समझा, इन परिभाषाओं का सार देखे, इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें चिंतन प्रक्रिया के बारे में कुछ ठोस जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे कि चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, यानी जो आपके पास पहले से ज्ञान है, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, उस ज्ञान का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। जैसे मैंने आपको साड़ी का उदाहरण दिया, तो साड़ी के उदाहरण में हमने क्या देखा, साड़ी के उदाहरण में हमने देखा कि हमारी जो बहन साड़ी लाने जा रही है वो अपने पूर्व ज्ञान को जो उसके पास पहले से है उस ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान में ही जोड़ तोड़ कर रही है, उस ज्ञान के आधार पर ही वो चिंतन करती है। तो चिंतन में किसकी आवश्यकता है,
प्रतीकों की आवश्यकता है, प्रतिमाओं की आवश्यकता है। तो चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अच्छा, मैं आप हम सब बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसे बीच बीच में कभी कभी ख्याल आ जाते हैं कि यार ऐसा तुम्हारा रिट में सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद जो वो काउंसलिंग होगी। अच्छा, काउंसलिंग होगी ना, अब कुंवारा लड़का है कैसे सोचेगा, काउंसलिंग में जाऊंगा ना तो वहां पर बहुत सारी लड़कियां भी आएगी, लड़कियां भी ऐसे सोचेगी बहुत सारे लड़के आएंगे, तो काउंसलिंग के समय ही किसी अच्छी सी लड़के या लड़की को पसंद करके जो है उसके साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ाऊंगा, और मैं ये देखूंगा कि मेरे स्कूल में जो है वो प्रयास ये करेंगे कि हम दोनों जो है वो एक ही स्कूल में ज्वाइनिंग ले ले। ज्वाइनिंग के बाद जो है हमारी उस समय के बाद हम घर वालों को बता देंगे और हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद अपने टेंशन फ्री 50,000 रुपए उसको मिलेंगे, 50,000 मेरे को मिलेंगे, 1,00,000 रुपए महीने के दिन आ जाएंगे, नो टेंशन। अब एक छोटी गाड़ी लेके आएंगे, ठीक है, और गाड़ी में स्कूल जाएंगे, हम दो ही मास्टर ही स्कूल में होंगे और स्कूल को जो है आदर्श विद्यालय में कन्वर्ट कर देंगे। शुरू के 2-3 महीने थोड़ी थोड़ी सैलरी खर्चा करके और सरपंच से थोड़ा अनुदान लेके स्कूल को रंग रंग करवा के बढ़िया एकदम टिकटॉक, फिर हमारे अखबार में फोटो छपेगी, फिर राष्ट्रपति के द्वारा हमें सम्मान मिलेगा, हम उस स्कूल के राजा होंगे। ऐसे बहुत सारे बीच बीच में ख्याल आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। तो यही बात तो यहां पर कही गई है ना कि चिंतन करने के लिए आपके पास वास्तविक स्थिति उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। आपको चिंतन करने के लिए, जैसे एक कहावत है राजस्थानी में कि मन का लाडू खावे तो देसी घी का ही खावे, डालडा का क्यों खावे। बहुत अच्छे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, 133 नंबर लेके आए आप लेकिन सरकार ने भर्ती रद्द कर दी। भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि जो होगा, जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इससे एक सार निकल के आता है कि चिंतन के लिए, अगर हमें चिंतन करना है, अगर हमें चिंतन करना है तो चिंतन के लिए वास्तविक वस्तु या वस्तु का उपस्थित होना, वस्तु का होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। यानी चिंतन क्या है, कल्पना है। क्या कह सकते हैं हम, कल्पना है चिंतन, कल्पना है। किसके आधार पर है? अब आप कहोगे कि सर कल्पना तो छोटा बच्चा भी करता है, कल्पना तो बहुत सारे लोग करते हैं, चिंतन और कल्पना में क्या अंतर है? देखो, चिंतन जो होता है इसमें जो कल्पना होती है वो तथ्यों के आधार पर होती है, तथ्यों के आधार पर। आगे हम चिंतन के दो प्रकार पढ़ेंगे, सवली चिंतन और दूसरा एक और यथार्थवादी चिंतन। तो दोनों चिंतन पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक मन में बना लेते हैं और उसी आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती है। तो पहली बात तो समझ में यह आई कि चिंतन के लिए वास्तविक वस्तु का होना आवश्यक नहीं है। अगर आपने शेर के बारे में, अगर आपके पास जानकारी है, आपने मूवी में शेर का चित्र देख रखा है, टीवी में शेर को देख रखा है, पिक्चर में शेर को देख रखा है, तो आप शेर के बारे में चिंतन कर सकते हो ना, उसका सामने होना तो जरूरी नहीं है। दूसरी बात निकल के आती है कि चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। इसका मतलब यह हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया के बीच में होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। विटेकर नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि समस्या समाधान व्यवहार कहा गया, चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा। तो किस क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार किसने कहा,
किसने कहा, तो आपका उत्तर हो जाएगा विटेकर। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तब भी ये मनोविज्ञान आपके काम आएगा, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तब भी ये काम आएगा, ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो तब भी काम आएगा। जी वल्लाहेर क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे। चिंतन के प्रकार की चर्चा करते हैं, यहां से आपको और मजा आएगा देखना, चिंतन के प्रकार पढ़ते हैं यहां से आपको और मजा आएगा पढ़ने का। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के कई भागों में बांटकर अध्ययन किया, लेकिन जिब्बार्डो और रुक ने 1977 में चिंतन के दो प्रकार बताए, पहला चिंतन बताया स्वलित चिंतन और दूसरा चिंतन बताया यथार्थवादी चिंतन, पहला स्वलित चिंतन दूसरा यथार्थवादी चिंतन। स्वलित चिंतन और यथार्थवादी चिंतन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्वलित चिंतन कौन सा होता है, स्वलित चिंतन यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं तो अच्छे तरीके से समझ लेना, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो यह मेरा पूर्णतः विश्वास है कि आप उत्तर गलत नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो उत्तर गलत नहीं होगा आपका 100%, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। स्वलित चिंतन होता क्या है मैं उदाहरण देके बताता हूं आपको कि एक लड़का है जो कक्षा 10th का बोर्ड का पेपर दे रहा है और वो कक्षा 10 में, आपको पता है कक्षा 10 में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है किसी भी बच्चे पर, किसी भी बच्चे पर कक्षा 10 में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है बोर्ड के एग्जाम का। अब वो पढ़ते पढ़ते बीच में कल्पनाओं में खो गया कि अब बस 10वीं के बोर्ड के पेपर हो जाएंगे और फिर जो है इसके बाद 11वीं में कोई टेंशन नहीं है, 12वीं तो मैं दे ही दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आर्ट्स लूंगा तो आर्ट्स लेने के बाद अपने कोई टेंशन है नहीं, आर्ट्स में तो वैसे ही होशियार हूं मैं, और इसके बाद फिर जाऊंगा कॉलेज। आहा, अब उसने कॉलेज देख रखा है कैसे, उसने कॉलेज की कल्पना कर रखी है कैसे, मोहब्बतें मूवी वाली कॉलेज आपने देखी होगी, शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी मोहब्बत, एक मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ ईयर, है ना, ऐसी मूवी की उसने कल्पना कर रखी है कि ऐसी कॉलेज होगी। आहा, मैं सुबह सुबह नहा धो के सेंट वेंट लगा के और कॉलेज जाऊंगा, वहां पर बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे, नेतागिरी करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ऐसी बहुत सारी कल्पना करता है। ये क्या है, ये स्वलित चिंतन है, ये यथार्थवादी तो नहीं है ना, ये यथार्थवादी नहीं है, इसे क्या कहेंगे, स्वलित चिंतन कहेंगे, जो वास्तविक ना हो, जिसका वास्तविक समस्या से कोई लेना देना नहीं हो, वास्तविक समस्या से कोई भी लेना देना ना हो, वो स्वलित चिंतन कहलाता है। यानी और सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि जो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा चिंतन करना ही क्या कहलाता है, स्वलित चिंतन कहलाता है। एक और उदाहरण देखिएगा, यहां पर समझिएगा, आवाज गूंजेगी, आवाज गूंजेगी, आज माइक नहीं है ना, माइक खराब हो गया तो आवाज वगैरह गूंजेगी, 5-6 दिन ये समस्या रहेगी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना कि स्वलित चिंतन वैसा चिंतन को कहा जाता है, स्वलित चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों इच्छाओं अभिव्यक्ति, जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। अब वो सोच तो रहा है कि कॉलेज में ऐसा होगा ऐसे होगा, बट प्रैक्टिकल में जब वो कॉलेज में जाता है तो वैसा कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकल में जब वास्तव में वो कॉलेज में जाता है तो वैसा कुछ नहीं होता जैसे मूवी में दिखाया गया होता। आपने मूवी देखी होगी हम आपके कौन, अब किसी के बड़े भाई की शादी है, छोटा भाई खुश किया, छोटे भाई, बड़े भाई के तो मन में अपने लड्डू फूट ही रहे हैं खुशी के, छोटा भाई भी, अब शादी के समय हम आपके कौन मूवी देख लिया, अब उसकी कल्पनाएं भी शुरू हो गई है कि वहां पर ऐसे जूते लखवाएंगे, है ना, ऐसे सालियां होगी, फिर गीत गाएंगे, ये गाना ये, बट प्रैक्टिकली बहुत सिंपल तरीके से हमारे यहां होती, तो ऐसी कल्पनाएं ही, देखिए ये केवल मन के विचार और इच्छाएं होती है, ये क्या होती है, मन के काल्पनिक विचार और इच्छाएं होती है। कोई व्यक्ति अपने मन में क्या चल रहा है
उसको अभिव्यक्त करता है, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो असत्य हो, चाहे वो झूठ हो, उसको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। स्वली चिंतन में हम केवल अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। स्वपन चिंतन तथा अभिलाषा आदि सभी स्वली चिंतन के उदाहरण है। यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, उसके पास एक सुंदर बंगला होगा, उसमें एक चमचमाती कार होगी, उस कार में वह अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ बैठकर शेयर करने जाएगा और गीत गाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे चल, है ना, पार्टी शार्टी करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चल वाला गीत बजाएगा। और यह जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? यह जो उदाहरण है वो स्वली चिंतन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्योंकि इसमें कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई समाधान है, केवल कल्पना है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? स्वली चिंतन इसको जो है वो कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा। इस तरह के चिंतन की एक खास विशेषता यह होती है कि इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बस अगर शॉर्ट में मैं कहूं कि स्वली चिंतन क्या होता है, अगर हम शॉर्ट में कहें कि स्वली चिंतन क्या होता है तो हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा। अगर हम शॉर्ट में कहें कि स्वली चिंतन क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं कि स्वली चिंतन जो होता है वो काल्पनिक काल्पनिक दुनिया क्या होता है, एक काल्पनिक तो लिख ही दिया था, काल्पनिक दुनिया की क्या होती है, ये कल्पना होती है। जो ये क्या होती है, वास्तविक नहीं होती है। और इसमें समस्या नहीं होती है, समस्या नहीं होती है, समस्या नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। बस बैठे बैठे मन में आ गया, सोच लिया, विचार कर लिया अपना एक, ये तो फिर ये बताओ कि कोरी कल्पना फिर करते क्यों है हम? क्या स्वली चिंतन करना अच्छा ही बात है? कमेंट करके बताओ, क्या स्वली चिंतन करना चाहिए हमें? क्या स्वली चिंतन करना चाहिए हमें? क्या स्वली चिंतन करना चाहिए? जब स्वली चिंतन का कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं, ना वो वास्तविक है, तो क्या हमें स्वली चिंतन करना चाहिए? एक लिमिट के अंदर हम स्वली चिंतन कर सकते हैं, एक निश्चित सीमा तक, एक लिमिट तक हम स्वली चिंतन कर सकते हैं। यह हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि स्वली चिंतन करेंगे तो यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। स्वली चिंतन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो एक अगर लिमिट तक किया जाए स्वली चिंतन तो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा स्वली चिंतन हो जाएगा तो व्यक्ति कल्पना में एक अपनी अलग दुनिया बना लेगा और वो वास्तविक दुनिया से कट जाएगा और उसके साइकोलॉजिकल जो है वो समस्याएं हो जाएगी, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्वली चिंतन अगर काल थोड़ा बहुत किया जाए, लिमिट में किया जाए तो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा अति हो जाएगी स्वली चिंतन की तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। यथार्थवादी चिंतन की बात करते हैं। यथार्थवादी चिंतन कौन सा होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो समस्या पर आधारित हो। यानी अगर मैं सीधी सीधी परिभाषा बताऊं आपको, अगर आपको याद रखना है तो बस इतना याद रखो, जो समस्या पर आधारित हो, जो समस्या पर आधारित हो, जो समस्या पर आधारित हो वो क्या कहलाता है? स्वली चिंतन कहलाता है। जो समस्या पर आधारित होता है
वही क्या कहलाता है, सुली चिंतन कहलाता है। किस चिंतन को सुली चिंतन कहेंगे, जो समस्या पर आधारित है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, हम उसका समाधान करने के लिए सोचते हैं, तो उसे हम सुली चिंतन यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफर कर रहा है, कार अचानक रुक जाती है, ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, कहीं इंजन में कोई खराबी तो नहीं आ गई, कहीं टायर तो नहीं कट गया, आदि तरह का चिंतन यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। यानी जो वास्तविकता पर आधारित हो, जो समस्या पर आधारित हो, वह चिंतन जो है वो वास्तविक यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा है। यथार्थवादी चिंतन में एक तो अभिसारी चिंतन होता है, एक सृजनात्मक चिंतन होता है और तीसरा होता है आलोचनात्मक चिंतन। सबसे पहले बात करते हैं अपन अभिसारी चिंतन की। अभिसारी और अपसारी, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कमेंट में आपस में बातें करने की जगह ये बताइए आप मुझे कि अभिसारी चिंतन कौन सा होता है, अभिसारी चिंतन कौन सा होता है, किस चिंतन को अभिसारी कहेंगे। देखिए, हम उस चिंतन को अभिसारी चिंतन कहेंगे, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि दो और दो कितने होते हैं और आपका चिंतन उत्तर दे देता है चार। आपसे कहा जाए कि छह और छह कितने होते हैं और आपका चिंतन उत्तर दे देता है बारह। अगर आपसे यह कहा जाए एक और दो कितने होते हैं तो आपका चिंतन उत्तर देता है तीन। और अगर आपसे यह कहा जाए कि पांच और नौ कितने होते हैं तो आपका उत्तर देता है मन क्या, तेरह। ये जो चिंतन है वो अभिसारी चिंतन है। ये क्या है? अभिसारी चिंतन है। क्या है ये? अभिसारी चिंतन है। और देखिए, जैसे सब्जी किसकी बनानी है, दाल कर लो, है ना। घर पे अपन ऐसी चर्चा करते हैं, घर में हमारी माता बहनें चर्चा करती है कि क्या करें, दाल बना लो। आलू पड़ा है तो आलू की सब्जी बना लो, है ना। भूख लगी हुई है, आपके किचन के अंदर चावल पड़े हुए हैं, तो आप क्या बना लेंगे, चावल बनाकर खाना। ये जो चिंतन है वो क्या कहलाता है, सुली चिंतन, सॉरी अभिसारी चिंतन कहलाता है। यानी इसमें समस्या को सीधे सीधे हल किया जाता है। अब हो सकता है कि यहां पर कोई अगर यही चिंतन अपसारी व्यक्ति करेगा तो इसका उत्तर अलग आएगा। यानी यह जो चिंतन होता है वो केंद्र अभिमुख होता है, यानी चिंतन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो केंद्र पर पहुंचना होता है। केंद्र अभिमुखी चिंतन भी कह सकते हैं इसको। केंद्र की ओर यानी सीधा उत्तर की ओर पॉइंट करते हुए चिंतन करना, एक ही उत्तर की ओर पॉइंट करते हुए चिंतन करना अभिसारी चिंतन है। कौन सा चिंतन है? केंद्र अभिमुखी चिंतन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। निगमनात्मक चिंतन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने बचपन से क्या पढ़ा है, दो और दो चार, छह और छह बारह, हमने बचपन में यही तो पढ़ा है, बचपन से हमने यही सुना है, यही पढ़ा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, निगमनात्मक चिंतन कर रहे हैं, निगमनात्मक चिंतन कर रहे हैं। निगमनात्मक चिंतन होता है सूत्र में सेट कर दो सीधे, सूत्र में सोचना। हमें पता नहीं है कि दो और दो, हो सकता है कि दो और दो ऐसा हो सकता है कि दो और दो ऐसा हो सकता है कि दो और दो ऐसा हो, लेकिन हम इन चिन्हों के बारे में नहीं सोचते हैं। कोई हमसे दो और दो पूछेगा तो हमारा दिमाग काम करेगा सूत्र के आधार पर कि दो प्लस दो पूछ रहा होगा। यही अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार
आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि पांच में दो गुना करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन जो है वो कहलाता है। इसके बाद आता है सृजनात्मक चिंतन। इसको आप अपसारी चिंतन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपसारी चिंतन भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा नाम है इसका, ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है? अपसारी चिंतन भी है। सृजनात्मक चिंतन को आप अपसारी चिंतन भी कह सकते हैं। कैसे? इसमें क्या किया जाएगा? इसमें समस्या को अलग अलग तरीके से, यानी इसमें जो है वो केंद्र की ओर न सोचकर परिधि की ओर सोचा जाता है, परिधि की ओर सोचा जाता है, यानी एक समस्या के अनेकों हल ढूंढे जाते हैं और फिर जो है वो किसी एक का चयन करके जो है क्या किया जाता है, हल किया जाता है। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों पर अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर चिंतन निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब एक व्यक्ति नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता, अर्थात इन तथ्यों का सृजन नहीं करता, समस्या समाधान नहीं हो पाता है। जैसे आपको भूख लगी, आपके घर पे चावल पड़े हैं, तो जो अपसारी चिंतन करेगा वो तो क्या सोचेगा कि चावल के फुलाव बना लेते हैं, चावल को पीस कर उसका आटा बनाकर एक मैदा बना लेते हैं और मैदे के गुलगुले बना लेते हैं। और जो अभिसारी चिंतन वाला होगा, जो अभिसारी चिंतन वाला होगा वो क्या सोचेगा, चावल पड़े यार, चलो चावल बना लेते हैं। अच्छा, घर में चावल और दाल दोनों पड़े हुए हैं, तो जो अभिसारी चिंतन करेगा ना, जो अभिसारी चिंतन करेगा वो क्या बनाएगा, वो खिचड़ी बनाएगा। और जो अपसारी चिंतन करता है वो क्या बनाएगा, चावल दाल बनाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एक ही समस्या का अलग अलग हल ढूंढकर उसका किसी एक हल को सिलेक्ट करके उससे जो है अपनी समस्या का क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी एक समस्या के अनेकों हल ढूंढ लिए आपने, एक ही समस्या के तीन चार हल ढूंढ लिए और उन अनेक हलों में से किसी एक का चयन करके अपनी समस्या का समाधान करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण उपयोग बताने को कहा जाए, तो वह व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बताएगा। इस तरह के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। कलम का साधारण उपयोग तो लिखना है, अब इसका असाधारण उपयोग क्या होता है, क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। इस तरह का चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे एक क्वेश्चन आया, भारत की राजधानी है दिल्ली, कोलकाता, आगरा और नई दिल्ली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े बच्चों का गलत हो सकता है। भारत की राजधानी क्या है? जो इस क्वेश्चन को बच्चा अपसारी चिंतन में सोचेगा, अपसारी चिंतन करेगा, वो सोचेगा यार ये तो सरल क्वेश्चन, क्या पूछ रही हो, शायद है मैं कोई ना कोई चक्कर है, क्योंकि अपन तो बेरो ही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, अपन ध्यान है, तो एक तो सरल क्वेश्चन तो क्यों नहीं किए मरोड़ो है शायद। और आप पूछना चाहे कि भारत की राजधानी कौन सी ही, तो देखो भारत की राजधानी कोलकाता थी। तो जो अपसारी चिंतन वाला होगा वो यहां पर क्या कर सकता है, दिल्ली किस गया, कलकत्ता कर सकता है, वो
वो सीधे करेगा कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली है भैया, बात खत्म। और इस तरीके का आप मुझे अपने ईमानदारी से बताना कि इस तरीके से आपका मनोविज्ञान के पेपर में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी आप पेपर देने जाते हैं एक से दो क्वेश्चन इस तरीके से सोचने के कारण गलत हो जाते हैं, इस तरीके से सोचने के कारण एक से दो क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाते हैं। और ये हमें तो ऐसा लगता है कि हम सही करके आए हैं, लेकिन वो हमारा चिंतन कैसा था उस पर डिपेंड करता है। तो सोचने का नजरिया भी जो कभी कभी एक आधा क्वेश्चन गलत करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आलोचनात्मक चिंतन आता है। नेक्स्ट, आलोचनात्मक चिंतन कौन सा होता है? आलोचना करना नहीं, आलोचना करना, आलोचना करना आलोचनात्मक चिंतन नहीं होता है। आलोचनात्मक चिंतन कौन सा होता है? वह चिंतन आलोचनात्मक चिंतन होता है जिसमें हम किसी तथ्य के किसी किसी सूचना के पक्ष और विपक्ष के बारे में चिंतन करते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर चुनाव के समय बहुत सारी न्यूज़ें फर्जी डाल दी जाती है। अब कोई लोग ऐसे होते हैं जो बिना उस सूचना की सत्यता को जाने आगे शेयर कर देते हैं। बट जो बालक आलोचनात्मक चिंतन करेगा ना, वो पहले उस चीज को वेरीफाई करेगा कि वास्तविकता में ये घटना क्या है, ये सूचना क्या है, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में जानेगा और फिर अपना डिसीजन लेगा। तो इस तरीके के चिंतन को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के ही चिंतन को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के चिंतन को ही हम जो है वो आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, जिसमें किसी तथ्य, वस्तु, स्थान या सूचना के गुण और दोषों दोनों को जाना जाता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले गुण दोष की परख कर देता है। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में जो कुछ भी पता होता है उसे वे सही समझकर मान लेते हैं। तब ऐसा होता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति नहीं है। तो लोग कह गए तेरे मुंह तो मूर्ख हो गए, तू मूर्ख था क्या तू, जो तुमने ऐसा कर दिया, पहले सोच तो लेता, पहले सही गलत को निर्णय तो ले ले। तो बावड़ा बुद्ध है तू, भोड़ो रह गयो है ना, लोग कौन कह के भोड़ो रह गयो, तो पहले सोचना चाहिए के फायदे और के नुकसान है ना। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ घटना या वस्तु के बारे में कहने पर उसके गुण दोष परखते हैं और तब उसे सही और गलत मानते हैं। व्यक्ति में इस तरह के चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। जैसे मान लो आज YouTube पर ऐसे बहुत सारे चैनल है जो किसी बुक का रिव्यू करते हैं, या जैसे मैं हूं, मैं भी बहुत सारे ऐसे सेशन करता हूं कि हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। जैसे रात को हमने एक सेशन किया था कि हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीड, इन तीनों में से किसकी तैयारी करना चाहिए। मैं ये कह दूं कि रीड की तैयारी कर लो, अब मैंने कह दिया कि रीड की तैयारी कर दो, अब मेरी बात को अगर आप आंख मूंद कर मानते हैं तो वो गलत है। मैं ये कह दूं कि भैया ये बुक है ये पढ़ लो तो ये भी गलत है। मैं ये कह दूं कि मेरे साथ ही पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ लो, मेरी ये स्लाइडें पढ़ लो, मैं जो पर्सन दे रहा हूं वो पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास कर लेते हो, तो ये क्या है? ये पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख होना है। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होना है? मूर्ख होना है। कि पढ़ा लिखा मूर्ख है ये, तो क्या कहेंगे? पढ़ा लिखा मूर्ख है। अरे ज्ञान क्या है? ज्ञान हमें क्या कहता है? ज्ञान ये कहता है कि हाँ सबकी सुनो। अक्सर हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग है वो कहते हैं कि नहीं कहते, कि सबकी सुनो अपने मन की करो, सुनो सबकी करो अपनी, सुनो सबकी करो अपनी। अर्थात भैया ठीक है, किसी ने आपको कह दिया, हो सकता है कि आप उसकी बहुत इज्जत करते हो, लेकिन फिर भी आप उस वस्तु के बारे में, उस चीज के बारे में थोड़ा सोच विचारो, उसके गुण और अवगुणों को जानो, उसकी परख करो। ईश्वर भी ये कहता है
कि पहले परख करो विश्वास और अंधविश्वास क्या है। विश्वास और अंधविश्वास में यही तो अंतर है कि अगर बिना तथ्य के, बिना परख किए, बिना आलोचनात्मक चिंतन के अगर आप किसी पर विश्वास करते हो तो वो क्या है, वो अंधविश्वास है। बिना तथ्य के, बिना आलोचनात्मक चिंतन के, बिना उसको जाने आप अगर किसी पर विश्वास करते हो तो वो अंधविश्वास है। और जब आप उसको परखते हो, उसको आप जानते हो और फिर उसकी बातों पर विश्वास करते हो तो वो है विश्वास। तो इसे ही कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन के मूल तत्व देखिए, हमारे चिंतन हमारे पहले से विद्यमान ज्ञान पर निर्भर करता है। यह भी बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको कहूं जो वस्तु आप जानते हो, जैसे आप गांधी जी के बारे में जानते हो तो गांधी जी के बारे में आप चिंतन कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन मैं कोई ऐसा ही नाम ले दूं जैसे चीन का कोई व्यक्ति था ची वान शुन, है ना, ची वान शुन। अब ची वान शुन कौन था आप नहीं जानते हो, मैं आपको कहूं कि ची वान शुन के बारे में चिंतन करो। कैसे चिंतन कर पाओगे आप जब आपके डाटा हार्ड डिस्क में है ही नहीं, इसके बारे में आपको इसका ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे चिंतन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है यहां पर कि चिंतन के लिए जो है वो क्या चाहिए आपको, उस वस्तु के बारे में, उसके बारे में पहले से ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे ज्ञान का प्रतिनिधित्व मानसिक प्रतिमा या शब्द के रूप में निरूपित होता है। लोग प्राय मानसिक प्रतिमा या शब्द के माध्यम से सोचते हैं। मान लीजिए हम रेल मार्ग से उस स्थान पर यात्रा कर रहे हैं जहां पहले आप गए हैं। आप जयपुर पेपर देने जाते हैं तो जयपुर के बारे में आप चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पटना जयपुर देने जा, पेपर देने जा रहे हो और पटना आप कभी गए नहीं है तो आपको फिर चिंतन नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहोगे कि यार देखो वहां पहुंच के ही सोचेंगे क्या करना है, है ना। सर्वप्रथम मानसिक प्रतिमा पर विचार करेंगे और फिर मानव चिंतन के आधार पर जो है उसके संपत्तियों का वर्णन करेंगे। मानसिक प्रतिमा क्या होती है इसको समझना। चिंतन में प्रतिमा का अधिक महत्व होता है। जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो गत अनुभूतियां कुछ प्रतिमा के रूप में आकर या तो उस समाधान में मदद करती है या बाधा पहुंचाती है, इसे ही प्रतिमा कहते हैं। आपने संस्कृत की तैयारी की, यानी लैंग्वेज सेकंड आपकी संस्कृत थी, मान लीजिए 2021 में, और 2021 में आपके जो है वो 2021 है, 2021 के अंदर आपके संस्कृत में 21 नंबर बने, 21 नंबर बने आपके 2021 के पेपर में। अब 2022 में आप पेपर दे रहे हो और जब संस्कृत के बारे में चिंतन करोगे कि कहां से पढ़े, तो इस समय जो आपने पढ़ा था उसका आपके दिमाग में प्रतिमा आएगी कि उस समय हमने उस टीचर से पढ़ा था, उस गाइड से पढ़ा था, उस पुस्तक से पढ़ा था, तो क्यों ना हम उसी से थोड़ा अपग्रेड करें, वहीं से कुछ और पढ़ें। तो ये जो आपके पूर्व अनुभव है ये आपके नए ज्ञान में क्या करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। मार्गन किंग और रॉबिन्स ने 1981 में कहा, या इनके अनुसार सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को प्रतिमा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि अनुभूतियों की कुछ खास खास विशेषताओं को जब हम मानसिक रूप से अलग करने में समर्थ हो जाते हैं तो इसे ही प्रतिमा कहते हैं। उदाहरण के लिए कल पार्टी में अपने मित्र के विचित्र वेशभूषा की गुणों को मस्तिष्क में जब हम लाने में समर्थ हो जाते हैं तो उस गुण या विशेषता को ही प्रतिमा कहते हैं। जैसे आप कोई एक उदाहरण बताया कि आप कोई शादी में गए और शादी में देखा कि दूल्हे ने एक अलग ही कोई नई डिजाइन का एक कपड़ा पहन रखा है। जनरली शेरवानी कोट पैंट पहनते, लेकिन उसने कोई अलग ही टाइप का बना रखा है। तो वो आपको याद रहता है, वो आपको याद रहता है, वो आपको याद रहता है कि नहीं रहता, याद रहता है। और यही प्रतिमा है। इसके बाद एक और आता है तर्कना। तर्कना क्या है देखिएगा, तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है।
व्यक्ति तर्कना के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमवत बनाता है और तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। भाई तर्कना को आप ये कह सकते हो तर्क करना यानी तर्क करते हुए चिंतन करना। जैसे आप मेरी क्लास देख रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं, तो वो क्लास तो देख रहे हैं साथ में तर्क कर रहे हैं कि यार पहले तो मैं उनकी क्लास देखता था, जैसे धीर भाई साहब की क्लास देखते थे आप या वंदना जाधव मैम की क्लास देखते थे आप, तो तर्क तो करोगे कि नहीं करोगे कि यार उनकी क्लास में तो ऐसे पढ़ाया जाता था, इस तरीके से पढ़ाया जाता था, यहां पर ऐसे पढ़ाया जा रहा है। अब तर्क करोगे आप और तर्क के माध्यम से आप चिंतन कर रहे हो कि यहां पढ़े कि वहां पढ़े, है ना? यही तो है, यही तो चिंतन है ना, इसे ही तो चिंतन कहोगे। ये तर्क यानी तार्किक चिंतन हो गया, ये क्या हो गया? तार्किक चिंतन हो गया, तर्क के साथ चिंतन हो गया, तर्क के साथ चिंतन हो गया। जेम्स ड्रेवन ने 1968 के अनुसार तर्क चिंतन वह तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा समस्या सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है, तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है। तर्क शक्ति का विकास क्रमशः होता है तथा इसमें व्यक्ति विभिन्न व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। तर्क में कई प्रकार के सोपान हो सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। निगमनात्मक तर्कना यानी निगमनात्मक चिंतन करोगे आप। निगमनात्मक चिंतन कौन सा होता है? सूत्र के अकॉर्डिंग सोचोगे, है ना? जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, हम सब जानते हैं कि भैया जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी। ये कैसा चिंतन है? ये निगमनात्मक चिंतन है। मोहन एक मनुष्य है, यह निगमनात्मक चिंतन है। मोहन समर्णशील है, यह भी निगमनात्मक चिंतन है। आगमनात्मक चिंतन भी होता है इसी प्रकार से, देखता हूं आज हो जाएगा क्या टॉपिक है। आज तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा टॉपिक बचेगा उसको हम कल करेंगे, है ना? रात कटाई नहीं करेंगे चीजों को, क्योंकि अभी एक थोड़ी सी 3 बजे क्लास है अकेडमी पर, तो इसके लिए इस सेशन को यही एंड करना पड़ेगा और कल इस सेशन को आगे लेके चलेंगे। इस चैप्टर को पूरा कर देंगे यहीं पर, यानी कल पूरा करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी और अगला चैप्टर अपन जो शुरू कर देंगे नम्मा। और ज्यादा अब चैप्टर नहीं पढ़ने हैं हमें, कक्षा 12 के अंदर अपने ज्यादा सिलेबस का पार्ट नहीं है, कक्षा 12 में अपने सिलेबस का पार्ट ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट है, तो वो चैप्टर भी अपन पूरा कर लेंगे। जब ये दोनों कक्षाएं अपनी 11-12 अपने सिलेबस के अनुसार हो जाएगी, इसके बाद हम जो है वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। एक सेशन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किया था लेकिन बाद में जो है बीच में रुक गए, थोड़ा सा और थोड़ा मैनेज कर रहे हैं समय, उसको रात को करने का प्रयास करेंगे। और अगले महीने से हम आपके लिए और सेशन लेके आएंगे, है ना? तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो सकता है, हमारे पुराने जो मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट है जो हमने आपको करवाया है वो भी देख सकते हैं। और सारे के सारे अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं।